हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है आलस बुरी बला है। बहुत समय पहले किसी गांव में धीरज नाम का एक लड़का अपने दादा दादी के साथ रहता था। धीरज बहुत आलसी था। वो कोई भी काम समय पर नहीं करता था और हर काम को बाद में करने के लिए टाल दिया करता था। धीरज, ये लो दूध पी लो। आप रख दो, मैं बाद में पी लूँगा। धीरज आंखें खोलता है और देखता है कि दूध जमीन पर गिरा हुआ है और एक बिल्ली वो दूध पी रही है। अरे, ये बिल्ली मेरा दूध पी गई, अब मैं क्या पीऊँगा? उसके आलस की वजह से हमेशा उसका नुकसान होता था, लेकिन फिर भी वो आलस करना नहीं छोड़ता था। ऐसे ही एक दिन उसके आलस की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमेशा मेरे आलस की वजह से मेरा नुकसान हो जाता है। काश मेरे पास कोई जादू होता जिससे मैं अपना सारा काम कर लेता और मेरा नुकसान नहीं होता। उसके रोने की आवाज़ सुनकर देवता प्रकट हुए। रोना बंद करो धीरज, मैं तुम्हें ऐसी छड़ी देता हूँ जिसके इस्तेमाल से तुम आसानी से अपने सब काम कर सकोगे। अरे वाह, मेरी जादुई छड़ी, अब आलस मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। धीरज जादुई छड़ी मिलने से बहुत खुश था। अब वो अपना हर काम जादू से करने लगा। लेकिन जादू मिलने के बाद भी धीरज का आलस खत्म नहीं हुआ था। एक बार वो ऐसे ही खेत में सो रहा था, तभी उसके दादाजी ने उससे कहा, धीरज मैं किसी काम से बाजार जा रहा हूँ, तुम खेत का ध्यान रखना और देखना कहीं कोई जानवर हमारी फसल ना खा जाए। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, हमारी फसल को कुछ नहीं होगा। धीरज के ऐसा कहने पर दादाजी वहाँ से चले गए और धीरज वापस सो गया। तभी एक बकरी घास चरती हुई खेत में घुस आई और उनकी फसल को खाने लगी। बकरी की आवाज से धीरज की नींद खुल गई। उसने एक आंख खोलकर बकरी को देखा। ये तो सिर्फ एक बकरी है, ये भला कितनी फसल खा लेगी, मैं नहीं उठ रहा, थोड़ी सी फसल खाकर अपने आप चली जाएगी। ये कहकर धीरज फिर सो गया। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा अब वहाँ एक बकरी के साथ साथ एक भैंस भी थी। एक भैंस भी कितना खा लेगी, कुछ देर और सो लेता हूँ, फिर इन दोनों को अपनी जादुई छड़ी से भगाऊंगा। ऐसा कहकर धीरज फिर से सो गया। इसके बहुत देर बाद उसकी नींद खुली तो उसने देखा अब खेत में बहुत सारी बकरियाँ और बहुत सारी भैंसे थी जो कि आधी से ज्यादा फसल खा चुकी थी। धीरज जल्दी से खटिया से उठा। बकरी और भैंस तो अपने सभी रिश्तेदारों को भी ले आई, ऐसे तो ये बाकी बची फसल भी खा जाएंगी, मुझे अपनी जादुई छड़ी से इन्हें भगाना होगा। ऐसा कहकर धीरज अपनी जादुई छड़ी की तरफ मुड़ा। इन्होंने तो मेरी छड़ी ही तोड़ दी, अब मैं क्या करूँगा, ऐसे तो ये जानवर सारी फसल खा जाएंगे। और धीरज जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर देवता प्रकट हुए। क्या हुआ धीरज? भगवान जी देखिए, इन जानवरों ने मेरे खेत का क्या हाल कर दिया, मैं जादू से इन्हें रोकने ही वाला था, लेकिन इन्होंने आपकी दी हुई जादुई छड़ी भी तोड़ दी। ये खेत इन जानवरों की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे आलस की वजह से बर्बाद हुआ है। तुम्हारे पास जादुई छड़ी थी, तुम चाहते तो जादू से पहली बकरी को रोककर बाकी जानवरों को खेत में घुसने से रोक सकते थे, लेकिन आलस की वजह से तुम इसे टालते रहे। मतलब कि तुम आलसी हो, जादू भी तुम जैसे आलसी का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें जादू की नहीं अपना आलस भगाने की जरूरत है। अगर तुम अपना आलस दूर कर लो तो तुम्हें किसी जादुई छड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर देवता गायब हो गए।
धीरज समझ गया कि आलस भगाना कितना जरूरी है और फिर उसने कभी आलस नहीं किया। वो हर काम बिना टाले समय पर करने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक आलसी इंसान को अगर जादुई छड़ी भी मिल जाए तब भी अपने आलस की वजह से वो कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।